आशा करता हूँ कि एक मैसेज के मिलने के बाद इमीडिएट यहाँ को एक पीसफुली प्रोटेस्ट करे। पीसफुली अमन के तौर पर एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, सुबह से लेकर रात तक प्रोटेस्ट करे। इसके साथ साथ जो प्रोटेस्ट में नमाज भी पढ़ाए वो आपको प्रोटेस्ट एक पोलिस स्टेशन के सामने जो रोड था वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये प्रोटेस्ट करते वक्त इन्हों पुलिस आने का बहुत डिस्टर्बेंस करे और डिस्टर्बेंस करने के बाद ये अमन के साथ नमाज पढ़ रहे थे जो ऑफिस आपको उन्होंने पहले टारगेट करको थे। क्या टारगेट था? इन्हें नमाज पढ़ा रहा नहीं, नमाज पढ़ाना तो बोलकर उनको वार्निंग दे रहे को थे। उसके बाद इन्होंने एक बड़ा टारगेट करको एक प्लानिंग करको रात के अंधेरे में वो लोगों को क्या करे ऐसा एक लाठी चार्ज करे। ये हैवानियत है, ये पुलिस आने ये हैवान ऐसा एक लाठी चार्ज करे उन्होंने। इनका लाठी चार्ज में 50 से ज्यादा लोगों को क्या हुआ खत्म हुए। खासकर मैं जैसा बोला तुमने को टारगेट करे बोलो वो ऑफिस आपको क्या करे सिर को लाठी देखो मारे उनका सिर पूरा फट गया खून। आज उन्होंने सीरियस है ऐसा एक दरिंदे के टाइप उन्होंने का एक क्या करे काम करे सो ये काम करने के पीछे इन्हों सेकुलर पुलिस हमें इनको है निका एक प्लानिंग दिया गया सो इन्होंने बिके हुए पुलिस है इन्हों। जैसा आज हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं इतना पीसफुली हमने को एक परमिशन दिया तुम्हें प्रोटेस्ट करो बोल को हमारा ये हॉस्पिटल के पुलिस विजयनगर के पुलिस हमने को सपोर्ट करे। आज हम इतना क्लीन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन्हों को हमारे साथ इतना ये हिसाब से है लेकिन वो पुलिस कहीं को ऐसा करे उनको भी सेम कानून ना कहीं को ऐसा करे। ये इसके बारे में हमें जानना है जरूरी है कहीं को बोले तो इनके पीछे है निका एक गलीज साजिश है जो संगी साजिश बोलते आज उन्होंने संगी लोग ये बेलगाम में जब एक दशहरा के नाम पर अयोध्या के नाम पर तलवारा लेको नाचते बड़े बड़े तलवारा लेको नाचते मुसलमानों को गालियां देते दूसरे जमातों को गालियां देते लेकिन उनके खिलाफ कौन भी एक्शन नहीं लिया। ये त्रिशूल है निका इनके ईद के नाम पर दशहरा के नाम पर बजरंग दल वाले इनको त्रिशूल है निका ये करे डिस्ट्रीब्यूट करे हजारों के त्रिशूल डिस्ट्रीब्यूट करे। इसके खिलाफ हमें जाकर कंप्लेंट करना चाहिए बोले तो उन्होंने क्या बोले वहाँ का कमिश्नर क्या बोलता मंगलोर का हमें देखते भाई इसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकते क्या बोले उसकी सोच देखो कैसी है। आज उन्हें ओपन आपको ऐसा बोल रहा बोले तो उन्हें काम भी क्या हुआ ये जो कानून में है कौन सा वेपन्स यूज नहीं करना उसके खिलाफ होना एक्शन लेना था वो छोड़ दो हमारे एक गवर्नमेंट के प्रेजर में आको हमारे तीन लोगों को अरेस्ट करको कॉर्पोरेट सेंटर ऑफ इंडिया के उनको अंदर बिठा को जेल में उनको जुलूम करको पीसफुली प्रोटेस्ट करते इनको है नहीं क्या वह जब पुलिस बनने से पहले उन्होंने शपथ लेते हमें लोगों की सुरक्षा करते हमें कानून के हाथ में लोगों काम करते बोलको लेकिन वो सुरक्षा लोगों के लिए करने का सुरक्षा करने का छोड़ को क्या कर रहे हैं जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको है ना लाठी चार्ज करते। ये हमना हमारा संविधान हमारा कानून हमारा हक देखो है हमारे ऊपर जब जुल्म होता तो हमें क्या करना पीसफुल प्रोटेस्ट करना तो हमें हमारे मेंबर्स को तुम्हें जबरदस्ती जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर जो जुल्म करे लाठी चार्ज करे हमारे उलमाओं के ऊपर तुम्हें क्या करे जुल्म करे देख सकते हैं हमें ये जब यहाँ के कर्नाटक की बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है यहाँ के सीएम क्या करने का तो बोले तो पुलिस वालों के साथ यहाँ के दो पुलिस वाले भी और यहाँ की गवर्नमेंट भी पूरे जने क्या कर रहे हैं दो कम्युनिटी को अलग अलग तरह के नजरिए से देख रहे हैं। एक कम्युनिटी को क्या कर रहे हैं उनके उन्होंने क्या भी बोले तो भी खामोश रह जाते हैं उन्होंने ओपनली मंगलोर में है ना त्रिशूल दीक्षा करते उनके खिलाफ क्या भी यहाँ की पुलिस नहीं करती ओपनली उन्होंने हमारे मस्जिदों के खिलाफ आवाज उठाते हमारे मस्जिदों के बारे में बोलते वहाँ की पुलिस क्या भी नहीं करती। जब एक मासूम एक मजलूम जाको अपने हक के लिए पुलिस स्टेशन को जाता उनके खिलाफ लाठी चार्ज करती ये दो तरह का रवैया यहाँ की पुलिस यहाँ की गवर्नमेंट कर रही तो हमें पॉपुलर फ्रंट वाले यहाँ से एक मैसेज देना चाहते वो पॉपुलर फ्रंट के तीन मेंबर मंगलूर के नहीं उन्होंने पॉपुलर फ्रंट का एक मेंबर कहीं का भी हो हमें पूरे कर्नाटक में खाली एक तीन मेंबर अंदर करे उनके पास जुलम करे सकते पूरे कर्नाटक में क्या कर रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम यहाँ से आपको एक मैसेज देना चाहते वो पुलिस वाले जो जुलम करे वो मासूम लोगों के ऊपर जो जुलम करे वो लोगों के खिलाफ वहाँ की पुलिस और जो जुलम करे हमें यहाँ से एक मैसेज देना चाहते वो पुलिस वालों को अमानत करना और दूसरा हमारा क्या उनके ऊपर ज्यूडिशियरी एक्शन लेना और तीसरा वो जो